वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के पास निगरान, वज़ीर-ए-आज़म का नाम तय करने के लिए आखिरी रोज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए मुशावरत, इत्तेफाक राय की सूरत में नाम का ऐलान किया जाएगा, नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लियामानी कमेटी के पास जाएगा, पार्लियामानी कमेटी में इत्तेफाक ना होने की सूरत में हतमी नाम का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। तीस साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, फखर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला एक दो रोज में हो जाएगा। इस मामले पर एक सियासी जमात के अलावा तमाम इत्तेहादियों ने मुझे इख्तियार दे दिया। पांच साल पूरे होने पर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी, उनकी वतन वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। आइंदा इलेक्शन वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे, चाहते हैं इंतखाबात जल्द से जल्द हों। नई मर्दमशुमारी के बाद इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वजारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। 16 माह की हुकूमत के सियासी राज कभी अफशा नहीं करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल की वजह से वोट बैंक में कमी का एतराफ़। सिंध असम्बली भी आईनी मुद्दत से एक रोज पहले तहलील, गवर्नर सिंध ने वजीर आला की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार में मुलाकात बेनतीजा, निगरान वजीर आला का नाम फाइनल ना हो सका, दोनों ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया, कल एक और मुलाकात होगी। उम्मीद है निगरान वजीर आला का तकरूर इत्तेफाक राय से हो जाएगा। पीटीआई दौरे हुकूमत में सिंध को डिसऑन किया गया, सूबे में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की गई, मेरी गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ाई गईं, 5 से 6 गंदे अंडों ने असेंबली का माहौल खराब किया, ऐसा माहौल बनाया गया कि असेंबली ना चल सके। पीटीआई की कोशिश थी कि सूबा ना चले, वजीर आजम के दौरा सिंध का नहीं बताया जाता था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सख्त वक्त में भरपूर साथ दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्तियां की जा रही हैं, एंटी करप्शन और नैब हुकाम को इस बारे में आगाह कर दिया। अदालती हुक्म भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्ती ना की जाए। फरूख नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी आबादी को दुरुस्त नहीं गिना जा रहा, मुलाजमतों में कराची के नौजवानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, हुकूमत के आखिरी दिनों में रिश्वत लेकर 50,000 नौकरियाँ दी जा रही थी, बगैर मेरिट भर्तियाँ MQM ने रुकवा दी, मुलाजमतें देने पर कोई एतराज नहीं लेकिन मेरिट पर दी जाए, मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। वजीर आला बलोचिस्तान ने असेंबली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। अब्दुल कुदूस बजिंजो की एडवाइस आज मंजूरी के लिए गवर्नर बलोचिस्तान को भिजवा दी जाएगी। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के नाम पर ताहाल फैसला ना हो सका। वतन से मोहब्बत का इजहार, आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां, स्टॉल्स सज गए, परचम बैजेस झंडियों की खरीदारी, गली मोहल्लों में सब हिला ली परचमों की बहार। और लाहौर इस्लामाबाद में आज भी बादल बरसने की पेशगोई, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की तवक्को, सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 16 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई, नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, बलाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।